हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू कीमा। आलू कीमे के लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, चार पटेटो लिए हैं जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये हमने सॉल्ट लिया है, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, चार ऑनियन लिए हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ऑयल, और ये हमने ग्रीन चिली ली है, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, इसको हम बाद में डालेंगे इन तीनों चीज़ों को। कुकर हमने रख दिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इसको भी हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने फ्राई कर लिया और मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये कीमा। अभी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा ही डालना है। इसको मिक्स करके हम ढककर से पकाएंगे। तो हमें जब तक पकाना है जब तक हमारा कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। कीमा हमारा गल चुका है, अब हम इसको चेक कर लेंगे। गैस को भी हमने बंद कर दिया है, हम प्रेशर निकाल देंगे। कीमा 4 सीटियों में पक जाता है, 4 सीटी हमारी आ चुकी है। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसमें हम डालेंगे पटेटो जो हमने काट करके रख लिए थे। साथ ही इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ये ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर ढककर पकाएंगे। इसको 1 सीटी आने तक पकाना है क्योंकि 1 सीटी में आलू पूरी तरह से गल जाते हैं। 1 सीटी आ चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे, प्रेशर भी हम निकाल देंगे। प्रेशर हमारा निकल चुका है, इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारा आलू कीमा बन चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आलू कीमा हमारा बन चुका है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।